ये सोती हुई गलियां, कुछ जागे हुए रास्ते, हर सुबह एक नई कहानी लिखने आ जाती है ऐ राही तेरे वास्ते। दिल में कुछ दबे दबे शब्द हैं हंसते, आंसुओं की जुबान आंखों में है बसते। दिल्ली 3 करोड़ की आबादी वाला शहर, हर किलोमीटर पर 12,000 लोग रहते हैं। इस शहर की खासियत है कि इतने शोर और भीड़भाड़ के बीचों बीच एक ठहराव सा है। शोर और शांति साथ साथ 2x2 के घरों में रहते हैं। रोज अपनी मंजिल की तरफ ले जाने के लिए हजारों तरह के परिवहन हैं, ऑटो, टैक्सी, मेट्रो, कार, बस, पैडल रिक्शा, और हमारी ये उबड़ खाबड़ रास्तों पर हिलती डुलती पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिक रिक्शा यानी कि ई रिक्शा। Give me a sec, huh? Let me see. I don't Come on, you don't know where you are. Kashish, what's going on? I can't tell you. I just don't know what the hell is happening. And those guys just dropped me off the project out of nowhere. I mean, I have been on it for like 2 months. This is like just not done. I know, Kashish, you work hard, but have you talked to mom at least? It's been 2 weeks. I just don't feel like talking to anyone right now. I'll talk to you later, huh? Are you sure? हल्का या भारी 10 रुपए सवारी। हाँ जी मैडम, कहाँ जाना है आपको? टेक मी टू सम कैफे नियर बाय। ओ सॉरी सॉरी भैया, आसपास कोई वो चाय कॉफी की दुकान है तो वहां ले चलो ना प्लीज। अरे मैडम, हम ठीक ठाक इंग्लिश जानते हैं, गाइड का कोर्स भी किए हैं। सॉरी भैया, आप कोई कैफे में ले चलो मुझे प्लीज। ओके मैडम। कितना हुआ? लो। अरे मैडम चेंज। भैया कोई अच्छी जगह नहीं है क्या? अरे मैडम ये आपका चेंज। भैया यहाँ नहीं, ये कोई अच्छी जगह ले चलो ना, थोड़ी शांत जगह। और ये चेंज रखो अभी आप, ठीक है? अभी आप थोड़ी शांत जगह मेरे को ले चलो। जी हाँ, एक शांत जगह है, हम आपको ले चलते हैं। ठीक है।
हाँ जी मैडम, ये सामने सूफी दरगाह है, यहाँ पे आपको आके शांति मिलेगी, काफ़ी शांत जगह है। मैम हम चाय लेके आते हैं, ये मेरा सर्टिफिकेट है। तेरे दर पे आया है मंगता तेरा, तेरे दर पे आया है मंगता तेरा, जिसको भी चाह उसने रुसवा किया, जिसको भी चाह उसने रुसवा किया, थामा है अब तो मैंने दामन तेरा, तेरे दर पे आया है मंगता तेरा, तेरे दर पे आया है मंगता तेरा, जिसको भी चाह उसने रुसवा किया, जिसको भी चाह उसने रुसवा किया, थामा है अब तो मैंने दामन तेरा, तेरे दर पे आया है मंगता तेरा, तेरे दर पे आया है। भैया यहाँ आकर हमें काफ़ी अच्छा लगा, ऐसी और कोई शांत जगह है दो चार जहाँ आप हमें ले जा सको? और कितना लोगे वहाँ का? हाँ जी मैडम, हम आपको दो तीन जगह घुमा देंगे, दिल्ली देख के दिल खुश हो जाएगा। सफदरजंग, हिमायत टॉम, बिन तुगलुक का मकबरा। मकबरा? अरे मैडम, शहंशाह लोग महारानी बेगम और उनको साथ में दफनाया गया था। साथ जीना साथ मरना बड़े लोगों की बड़ी बात है। तो ठीक है फिर चलो। मैडम ये मीना बाजार है, यह राजा अपनी रानी के साथ शॉपिंग किया करते थे, जैसे हमारे मॉल वगैरह होते हैं ऐसे। मैडम आप ठीक तो हैं? मैम माइंड मत करना, हमने गाइड का कोर्स किया है। गौरी मैडम हमें कहा करती थी कि आंखों के आई कॉन्टेक्ट से हम पहचान लेंगे इंसान का मूड कैसा है। भैया आप हमें यहाँ लेकर आए, हमें इतनी सारी जगहें घुमाई, हमें काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू भैया। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं भैया नहीं बहन हूँ। 20-21 साल की हूँ मैं, किरण को करण बनना पड़ता है, थप्पड़ खा लेते हम गाड़ी मालिक का, पर ये सब चलता है। ओके, किरण, मेरा नाम कशिश है एंड इट्स नाइस टू मीट यू। इफ यू डोंट माइंड किरण, क्या मैं तुम्हारी कहानी जान सकती हूँ प्लीज? ओके मैडम। तुम बताओगी मुझे अपनी कहानी? जी। थैंक यू सो मच, चलो आप चलते हैं। मैडम आपको हम पहले बता दें कि हमारे मम्मी पापा नहीं हैं, हमारी मौसी है। हम छोटे थे जब हमारी मम्मी जल गई थी, तो हम बहुत छोटे थे, कम से कम हम 2 साल के होंगे, तो उन्होंने हमें पाला और मेरे भाई को हॉस्टल में दे दिया। फिर उसके बाद हमारी मम्मी ने हमारे घर के प्रॉब्लम को देखते हुए हमें बड़ा किया। एक दिन जब मासी जी का एक्सीडेंट हुआ तो हम रूम रेंट नहीं दे सके, इसके कारण हमारा घर नहीं रहा। उनकी देखभाल के लिए
भीख मांगी कोविड के समय, पैडल रिक्शा खींचा। और अब मैं ई रिक्शा चलाती हूँ, दिन हो या रात, जब भी मौका मिलता है। सेफ्टी के लिए लड़कों के कपड़े डालकर अपना लड़की होना छुपाती हूँ। किरण, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितने हिम्मत वाली हो, पता है? और ये मेरी सलाह तुम एकदम मन में बिठा लो, चाहे जो हो जाए, दुनिया से लड़ना पड़े, लेकिन तुम आज मुझसे प्रॉमिस करोगी कि तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगी, ठीक है? मैम जी, हिम्मत हारने का मेरे को जिंदगी ने मौका ही नहीं दिया। अपनी मासी जी के बारे में सोचकर हर दर्द को सहने की हिम्मत आ जाती है। अच्छा लगा के आना यहाँ पे, काफी जगह अच्छी है। अच्छा हुआ मैडम आपने मेरी कहानी पूछ ली। मतलब? वैसे मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में। तुम एक सेकंड रुको, ठीक है? मैं जरा एक कॉल लेके आती हूँ, एक मिनट जस्ट। Hello? Hello, Kashish. We were worried about you. Are you still upset? No, I'm absolutely fine. Hey, listen, I told you about the 21-year-old e-rickshaw driver, remember? Absolutely inspiring story. I was telling all our friends about it. So, I would like to, you know, contribute towards making her life a bit easier. So, I was thinking, what if we, you know, kind of procure the means to get her an e-rickshaw by the end of the day? And if possible, maybe, you know, kind of fund her education for some time, maybe? End of the day might be tough. It's possible, yeah, nothing is impossible if you want it. And, okay, so let's just discuss this over a WhatsApp group or something, maybe? I'll create a WhatsApp group, you take care of yourself. Yeah, sure. Have you talked to mom? I'll deal with her later, okay? We just get to need this done right now. I'll create a WhatsApp group, we'll try our best. Please take care of yourself. Yeah, I will, surely. Bye. Okay, see you. So, Kiran, you didn't tell me that you like what you like to eat. हमें बर्गर बहुत पसंद है मैडम। चल खाते हैं, मस्ती करते हैं। और कौन सा फ्लेवर? हाँ, चीज बर्गर या फिर कुछ और? मैम जो आपकी मर्जी हो। अच्छा चलो खाते हैं। लाखों हैं ये ई रिक्शा वाले, दिन भर की मेहनत, धूल मिट्टी, पुलिस और ट्रैफिक चलान की चकचक, और कितने ग्राहकों की बकबक के बाद गाड़ी के साथ इनकी खुद की बैटरी भी डाउन हो जाती है। और दोनों, गाड़ी और ई रिक्शा चालक, अपने अपने चार्जिंग में लग जाते हैं। नींद, चाय, इलेक्ट्रिक चार्ज, यूं ही चलते चलते कौन किसको मिल जाए, एक उम्मीद की किरण बनकर कुछ कह नहीं सकते। बस ये सच है कि ऊपर वाला भी मदद तब भी भेज देता है जब वो जान जाता है कि बस अब ये इंसान के बस की नहीं है और ये सह नहीं पाएगा। हाँ हाँ मैडम, बहुत मजा आया मुझे। हाँ, थैंक यू मैडम, आपके साथ मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये दिन मेरा आपकी वजह से बहुत अच्छा गया, और बर्गर के लिए तो बहुत ज़्यादा थैंक यू। थैंक यू सो मच किरण,
एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक्स करना चाहिए मेरा दिन इतना अच्छा करने के लिए, सो थैंक यू. मैम एक्सक्यूज मी, अपनी मासी को मुझे खाना खिलाने जाना है, तो हम अभी खिला के आते हैं, फिर बाद में आपको पिक करते हैं. ओके एक मिनट सुनो सुनो, क्या मैं तुम्हारी मासी से मिल सकती हूँ? ओके मैंने बोल तो दिया. बिल्कुल मैम, थोड़ा वो गली खराब है, क्या आप जा पाओगी वहाँ पे? कैसी बातें कर रही हो किरण, मुझे अच्छा लगेगा. अच्छा जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल जस्ट गेट बैक टू यू. हाँ बस 1 सेकेंड. हे हाय, या सो इज द ई रिक्शा थिंग सॉर्टेड? या सो वी हैव टू हेल्प हर आउट यार, एंड आई विल बी सो ग्लैड इफ वी कैन डू दिस. थिंग्स आर टेकिंग अ गुड टर्न. Great. Okay, listen. I can't talk to you for long because she's right here, so she might be listening to us. Huh? Okay. Fine. I'll coordinate. Yeah. Fine. Thank you. Okay, Kiran. Chale fir. Haan, madam. Aaja. Chalo. Chalte hain. कुछ जाने पहचाने फिर भी अनजाने लोग, कुछ अजनबी होते हुए भी हमदर्द दोस्त. ये जो रिश्ते हैं दिल के चंद तारों से जुड़े हुए, इन्हीं में तो है खुशी और गम, इस सफर की बारीकियों से बुने हुए. अब जब होते हो गमशुदा, गम हमें भी होता है. दिल मेरा भी छलनी हो जाता है जब आपका कोई खोता है. मैडम ये मेरा घर है. अच्छा वो बैठी मेरी मम्मी, वो बाहर ही बैठी रहती हैं. अच्छा इंतजार करती है ना. नमस्ते मासी जी, कैसे हो? अच्छी हूँ बेटा. मेरा नाम कशिश है और किरण ने आपके बारे में बहुत बताया, और जितना इसने बताया आप उससे कुछ ज्यादा ही सुंदर हो. थैंक यू बेटा. अच्छा मासी जी अपना घर दिखाइए ना हमें प्लीज. ये है बेटा, आइए आपके पास प्लीज. आप अंदर चलो, मम्मी चलो. मम्मी खड़ी तो ले ली. ये किसकी तस्वीर है? ये मेरे मम्मी के फोटो है. ओ ये आप हो? हाँ बेटा. ओ माय गॉड. ये और ये कब की फोटो होगी? 77. वाओ. और भी एल्बम मैं कल निकालूं. और दिखाओ फोटो. ये मेरी है मैडम, अपनी भी तो दिखाएंगे. हाउ क्यूट इज दैट यू. ये कितने साल की होगी इसमें? ये 2.5 साल की. अच्छा 2.5 नहीं 5 साल के थे याद नहीं है? नहीं 5 के नहीं. But lovely it is, like nice. अच्छा मेरे को शायद एक कॉल आ रहा है, मैं एक मिनट कॉल लेके आऊँ प्लीज. 1 सेकेंड. हाँ 1 मिनट. मेरी बहुत अच्छी लड़की है, लाखों में एक. लाखों में एक कब से हो गए? मेरा बच्चा है ना, मेरा बच्चा गंदा नहीं हो सकता. मासी आपके बारे में किरण ने बहुत कुछ बताया मुझे, और मुझे सच में आपको सलाम करने का मन किया कि आपने इतनी परेशानियों में इतनी मुश्किलों में इसको बड़ा किया, और इसलिए हमने कोशिश की है छोटी सी कि आप लोगों की थोड़ी मदद हो जाए. तो अगर आपकी अनुमति हो क्या मैं वो सरप्राइज किरण को दे सकती हूँ? हाँ दे सकती हो बेटा. सरप्राइज कैसा मैडम? क्या चलो तो सही मैं बताती हूँ. अरे नहीं मैडम रहने दीजिए. क्या करेंगे? आओ आओ चलो आइए, आप भी आइए ना प्लीज. चलो आओ आइए आराम से.
यू मैम. वो मेरा फेवरेट कलर है ना. थैंक यू मैडम. अच्छा किरण, जाने से पहले बस एक चीज, क्या तुम मुझे लोधी रोड तक छोड़ दोगी? हाँ मैडम, बिल्कुल छोड़ देंगे आपको. चलो आइए ना. 10 रुपए सवारी कहे ई रिक्शे वाली. हेलो माँ, मैं घर आ रही हूँ. रात हो चली है, फिर एक नए सवेरे का इंतजार है. कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, क्या जाने किस उम्मीद की किरण के साथ वो आएगा सवेरा. ऐसे सवाल जवाब करता है मुझसे हर रात का अंधेरा. कल जब निकलो सवेरे, बस यही कहूंगा, आंखें और दिल खुले रखना. क्या जाने कौन सी कहानी आपसे टकरा जाए. बचपन से ही बहुत कुछ सहा है, अब कुछ भी सामने आए मुझको लगता है मैं सामना कर लूंगी. लड़की होके लड़कों के कपड़े पहनती हूँ, लड़की होना छुपाती हूँ. दर्द को सहना जिंदगी का हिस्सा है. खैर छोड़ो, ये सब चलता है. पीछे मुड़के मैं कभी नहीं देखती, मुझको बस आगे बढ़ना है मैम. चलता चल तू राही, तुझको तूफानों से लड़ना,
Mm-hmm.